अभी हम करीब पहुंच चुके हैं जुलेखा के कसर के पास। ये वो मकाम है, कहा जाता है कि जहां पर जुलेखा का महल था इस मकाम के ऊपर। ये आप देख भी रहे होंगे आसार यहां पर कुछ है, तो इसके करीब चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीज़ें थी उस ज़माने के अंदर। है बड़ा ख़तरनाक इलाका है भैया, लेकिन कह रहे है बड़ा ख़तरनाक एरिया है, यहां पर विजिटर तो नहीं आते, लेकिन हम जो है जान जोखिम में डालकर यहां पर पहुंचे हैं आपको दिखाने के लिए वो एरिया जहाँ पर जुलेखा का जो है कसर था। ये देख रहे जी, उस कसर के जो है कुछ आसार मौजूद है अभी भी, और बाकी कसर जो है ना दबा हुआ है इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर। आसार आप देख रहे हैं, ये जुलेखा का महल था जहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये उस महल के जो है आसार बाकी हैं अभी तक, यानी कि हज़ारों साल गुजरने के बाद जो है ये महल, इसके आसार मौजूद हैं। जाहिर बात है कि हज़ारों साल गुजर चुके हैं, इसके आसार जो है काफ़ी मिट चुके हैं, लेकिन इसकी बुनियादें और इसके जो है ना बाकियात अभी तक मौजूद हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है जुलेखा के साथ यहाँ पर रहा करते थे। अजीज़ मिस्र जो वज़ीर ख़जाना था मिस्र का, वो यहाँ पर रहा करता था, उसका महल जो है ना इस एरिया के अंदर हुआ करता था। तो जितने भी ये जो आप मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे आसार छुपे हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि यहाँ पर जुलेखा का महल था इस एरिया के अंदर। तो आज जो है ना इसके थोड़े से आसार बचे हुए हैं, इतने ज़्यादा आसार नहीं है। ये महल के आसार आप देख रहे हैं, मिट्टी के जो है ना यहाँ पर ईंटे हैं, तो ये मिट्टी से बना हुआ है। उस दौर के अंदर ये महल किस तरह से होगा अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उस महल के आसार अभी भी मौजूद हैं। अभी हम खड़े हुए हैं अजीज़ मिस्र के महल के ऊपर। ये वो महल है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है रहा करते थे, जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा था। और ये भी कहा जाता है कि शायद जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से बाद में शादी भी की थी, तो वो इस जगह पर, इस मकाम पर जो है रहते थे। ये मकाम आप देख रहे हैं, आज भी इस गाँव का जो है ना करियत अजीज़िया है, यानी कि अजीज़ मिस्र का गाँव। जो वज़ीर ख़जाना थे उस दौर के बादशाह के, तो वो इसी मकाम पर रहते थे, इस जगह पर उनका जो है महल था। आज तो ये मिट्टी का ढेर बना हुआ है, कुछ आसार मौजूद है यहाँ पर ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर अजीज़ मिस्र का जो महल है, और सामने जो है जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था, सामने आपको पिरामिड जो दिखाई दे रहा है, उस एरिया के अंदर जो है जेल थी जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। तो ये वो एरिया है ये जो आप देख रहे हैं। आजकल माशाल्लाह यहाँ पर घर भी बने हुए हैं, खजूरों के दरख्त भी हैं। तो इस एरिया के अंदर जो है अजीज़ मिस्र का महल था जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। तो ये आसार की जगह है।